येन बद्धो वलीराजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं रक्षाबंधन का पावन पर्व। जिस पावन पर्व का इंतजार होता है भाइयों को बहनों का और बहनों को भाइयों का, कि हमारी बहन हमारे घर आकर के हमारे हाथ पे जो सुनी कलाई है उस पे रक्षा का सूत्र बांधेगी और हम भाई उसकी रक्षा का सदैव प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसा वो पावन पर्व रक्षाबंधन। और इस रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर पड़ने वाला ये पावन पर्व इस बार 19 अगस्त को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बहनें अपने भाई के हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांध करके भाइयों की लंबी आयु और स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करती हैं। उसके साथ ही बहनों की रक्षा करने के लिए भाई भी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का पावन पर्व इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा और 19 अगस्त को सुबह 3:04 से आरंभ हो रही है पूर्णिमा तिथि और रात को 11:55 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पे बन रहे हैं कई शुभ योग। इस साल रक्षाबंधन काफ़ी शुभ योगों में है और इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, शोभन योग है और सुंदर सुंदर योगों के अनुसार पंचांग की अगर हम बात करते हैं कि रक्षा बांधना कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर के रात्रि में 9:07 तक रहेगा। कुल अवधि रहेगी 7:37। आप बड़े भाव के साथ अपने भाइयों की रक्षा सूत्र बांधिएगा। और रक्षाबंधन के अपराह्न दोपहर का मुहूर्त क्या है, 1:46 से लेकर के 4:19 तक 2:37 की अवधि रहेगी। और इसके साथ ही काल मुहूर्त शाम को 6:56 से लेकर के रात में 9:07 तक रहेगा, 2:11 की अवधि रहेगी। इस तरह से 7:37 का बहुत अच्छा समय मिल रहा है। आप लोग अपने भाइयों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधिए, उनके जीवन की मंगल कामना की प्रार्थना भगवान से करिएगा और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए तन मन और धन से सदैव तत्पर रहें, ऐसी मंगल कामनाएं आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की। मित्रों, यदि आप चाहते हैं हमसे बात करना, किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, या चाहते हैं काल सर्पदोष की शांति, महामृत्युंजय मंत्र का जप, दुर्गा पाठ, या चाहते हैं गृह प्रवेश का पूजन, कोई भी वैदिक पूजन, या चाहते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पूजन, तो भी आप संपर्क करिएगा। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।